हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का दिन है संडे, और जैसे कि मैंने अपना लास्ट वाला वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको अपनी शादी का लहंगा दिखाया था, तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए कि प्लीज़ आप अपनी शादी के एल्बम भी शेयर करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी शादी की एल्बम शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत मैंने पूछा पहले कि मैं शेयर करूं या नहीं करूं, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मैसेज किए कि प्लीज़ दीदी अपनी शादी की एल्बम भी शेयर करो, तो वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। और मेरी जो शादी की एल्बम है ना, वो थोड़ी सी पुरानी भी होगी क्योंकि इतना टाइम हो गया है, तो इसलिए थोड़ी सी इधर से हट भी गई है, इधर से थोड़ा सा ये हट भी गई है। तो मैंने जो सही निकाली है तो मैं इनसे बोल रही हूँ कि इसको सही भी करवा लो, क्योंकि वही है ना, ये तो बहुत यादगार चीज़ है। और फिर एक बहुत अच्छी बात ये होगी कि अगर मैं वीडियो बना दूंगी एल्बम की, तो ये मेरे पास हमेशा के लिए रहेगी, फिर मुझे ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि एल्बम ख़राब हो रही है या कुछ हो रही है। वीडियो से ये हो जाएगा कि ये मेरे साथ वीडियो हमेशा के लिए रहेगी। और आज मेरी आंखों पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। और अभी मुझे वो चश्मा नहीं लगाया मैंने आज, क्योंकि जब मैं लगा भी रही हूँ तो भी मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए मुझे देखती हूँ उस चश्मे को, या तो उसका फ्रेम व्रेम पता नहीं क्या हो रहा है उसमें, थोड़ा सा आँखों में दर्द हो रहा है लगाने के बाद, तो अभी थोड़ी देर में लगाऊँगी, अभी तो मैं नहीं लगा रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपनी शादी की एल्बम। तो अगर आपने मेरा पिछले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जा कर के देखें, और उसमें मैंने अपने शादी का जोड़ा आप लोगों के साथ शेयर किया था। और ये वाला वीडियो आपको कैसा लगेगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाती हूँ मैं आपको अपनी शादी की एल्बम, और फिर अपना मैं सोची कि ये एल्बम वाला बना करके आप लोगों के साथ शेयर करके फिर मैं अपना व्लॉग भी बना लूँगी, क्योंकि कल भी मेरा कोई व्लॉग नहीं गया था क्योंकि मेरे थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए कल कोई व्लॉग नहीं गया था, तो इसीलिए आज मैं व्लॉग भी स्टार्ट करूँगी और ये एल्बम भी आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अभी। तो ये है मेरी एल्बम का फ्रंट पेज, क्योंकि जैसे कि सबको पता है कि जब हम शादी के एल्बम बनवाते हैं तो उसमें सबसे पहले गणेश जी की ही फोटो लगाते हैं, तो ये है सबसे पहले एक गणेश जी की फोटो। और ये है मेरी शादी हुई थी 5 फरवरी 2009। शादी से एक दिन पहले इनके यहाँ होता है मंढा चढ़ता है, तो उसी के लिए पूजा होती है इनके यहाँ पर, तो वो भी बनता है, जो वो हाथ में कंगना बांधते हैं वो भी इसी दिन बनता है। तो ये इनके सब भाई हैं, ताऊ चाचा के जो लड़के होते हैं सब भाई हैं, जो कि जो मेन दर होता है उस पर मंढा लगाते हैं। ये इनके मामा जी की लड़की है, ये मौसी जी की लड़की है, और ये इनके बुआ जी और फूफा जी हैं, जो कि वो मंडा खुदता है इनके यहाँ पर, उसकी रस्म होती है। ये इनके फूफा जी हैं सबसे छोटे वाले। और ये है पापा जी,
ये सब इन्हीं के, क्योंकि पहले लड़के वाले की फैमिली के ही फोटो लगते हैं, तो ये सब इन्हीं की फैमिली है। ये ताऊ जी हैं और ये सब दोस्त हैं इनके, सारे फ्रेंड्स हैं जो कि इनके साथ में मेरठ रहते थे, जो जिन्होंने इनके साथ में ही रह के पढ़ाई की है। ये है मम्मी, और जो कि भात ले रही है, इनकी मम्मी है। और ये दोनों इनके मामा जी की लड़कियां हैं, जो कि मतलब लड़कियां, बहू और जो मामी होती है वो सब भात डालती हैं, तो ये सब वही हैं। ये जो रस्म होती है सुबह को कपड़े पहनाने की, तो ये इनके जीजा जी हैं, जो कि एक मामा जी की लड़की के हस्बैंड है और एक मौसी जी की लड़की के हस्बैंड है, क्योंकि जीजा जी ही कपड़े पहनाते हैं। ये इनकी मम्मी है, तो ये इनके यहाँ पर एक रस्म होती है जो कि कुआ होता है, उसमें मतलब रस्म की जाती है कि कुएं में गिरने की, तो बेटा पकड़ता है पीछे से, ये वही रस्म है। ये सब जब बारात पहुंच गई थी हमारे यहाँ पर, ये सब उसी की पिक्स हैं। ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, ये मेरी सहेली हैं, और ये इनकी मौसी के लड़के की वाइफ है, और ये मेरी ननंद है, और ये है मेरी सिस्टर, ये मेरी बहन है, और ये है भाभी, और ये मेरी बहन की जेठानी है, ये इनकी मौसी की लड़की है, ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं। और ये मैं हूँ, और ये मेरी बहन है, जो कि वो कंगना बंधाई की रस्म होती है वो हमारे यहाँ सिस्टर ही करती है, जो कि बड़ी बहन होती है वही करती है। और ये सब मेरे, ये मेरे ताऊजी का लड़का है, ये सब बाबा जी ताऊजी हैं, जो कि मंढा बांधते हैं। लड़की के यहाँ पर सुबह के टाइम में होता है, और लड़के के यहाँ एक दिन पहले शाम के टाइम में होता है। ये है मेरी मम्मी जो कि भात ले रही है अब। ये मामा जी हैं मेरे सबसे बड़े वाले, और ये छोटे वाले मामा जी हैं, मेरे दो मामा जी हैं, और ये सब मम्मी के जो ताऊ चाचा के बच्चे होते हैं वही हैं। और ये होता है जब वो पढ़ा लगन सगाई ली जाती है, तो ये तभी की पिक है। और ये भाई है मेरा, ये है मेरे पापा जी, ये पापा जी हैं मेरे, और ये इनके दोस्त हैं। ये होती है अंगूठी की रस्म हो रही है यहाँ पर, क्योंकि मेरी जो अंगूठी की रस्म है वो शादी वाले दिन ही हुई थी, पहले नहीं हुई थी, तो ये उसी की है। और ये इनके चाचा जी हैं, ये मेरे भैया हैं ताऊ जी के लड़के, और ये पापा जी हैं मतलब कि यानी कि मैं ससुर, और ये भाई है, ये मेरे जीजा जी हैं, और ये यहाँ पर हो रही है चढ़त, तो ये सब चढ़त की पिक है। ये मेरे पापा हैं, ये है मेरी बहन जो कि टीका करती है साली, तो वही है, ये मेरी बहन है। इसकी भी मेरे से 1 साल पहले ही शादी हुई थी, और इसकी हुई थी 30 जनवरी को, और फिर अगले साल फरवरी में हुई थी मेरी। तो ये जयमाला की फोटो है, जब जयमाला हुई थी, तो मेरे ना जयमाला मतलब सिंपल ही हुई थी, क्योंकि वो कोई जो स्टेज लगती है स्टेज स्टेज कुछ भी नहीं लगी थी,
घर पर ही बहुत ही सिंपल तरीके से जयमाला हुई थी। ये मेरे मम्मी पापा हैं, ये मेरे मामा जी हैं, यहाँ पर फेरे हो रहे हैं। और ये मेरी दादी माँ हैं जो कि अब नहीं है। और ये शादी के बाद की फोटो हैं, जब शादी कंप्लीट हो गई थी तो ये उसी के बाद की सारी फोटो हैं। ये वहाँ की फोटो है अगले दिन की, जब सुबह को पट फेरे की रस्म होती है तो ये उसी की फोटो है अगले दिन की, जब कंगना वंगना सब खिल जाता है तो उसके बाद जब घर वापस आते हैं तो ये उसी की फोटो है सब। ये मांटू की फोटो है, जब मांटू 4 महीने की थी तो ये उसी की 4 महीने की फोटो है। और ये कुछ फोटो है, ये हमारी करवा चौथ की पिक है, करवा चौथ पर खिंचवाई थी। और ये है मांटू की, 2 साल की हो गई थी जब मांटू पूरी, तो ये इसकी 2 साल की फोटो है। और ये है इसकी, जब ये 1 साल की हुई थी, उसका 1 साल की का बर्थडे मनाया था, तो ये उसी की फोटो है 1 साल की। देखिए कितनी सुंदर लगती थी पहले छोटी सी मांटू। ये भी जब केक कट हो रहा था तो ये वहीं की फोटो, क्योंकि मैं गांव में थी तो वहां पर तो पल्ला निकालना होता है, घूंघट निकालते हैं, तो ये वहीं की फोटो है। और ये हमारी जब की फोटो है, जब 2 साल की हो गई थी, इसकी 2 साल की का बर्थडे मनाया था, तो ये उसी की फोटो है।